जय गुरु। देखिए आज मैं जो थोड़ा पेशकार जो यानी उसका जो मुंह पकड़ना वगैरह जो हमने सीखा दैट इज़ ड्यू टू ताराना जी के पास से। गुरु तारानाथ वो तो बहुत विद्वान और एक विद्वान आदमी, बहुत कलेक्शन था चारों या पांचों यानी घराने का। तो उन्होंने पेशकार का एक मुंह पकड़ने का, जैसे यानी शशिभाई बेल्लारी बहुत बताते थे कि गत सरोद या सितार हो तो उसकी गत का मुंह यानी कैसे पकड़ना चाहिए। उन्होंने गुदई महाराज जी को डायरेक्शन दिया था एक बार, ऐसे वो यानी कह रहे थे। गुदई महाराज तो उनका हाथ क्या तगड़ा था, लेकिन गत की मुंह यानी उसका यानी कैसे पकड़ना चाहिए, उसमें रवि भाई बेल्लारे उनसे भी गाइडेंस मिला। और जो आपके फिंगर्स है, द वेट ऑफ द फिंगर्स यू शुड पुट ऑन तबला एंड यू शुड रिप्रोड्यूस द साउंड ऑफ द बोल। तो बोल का जो प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस करना है उसको ध्वनि उसका, तो उसके लिए बहुत फिंगरिंग यानी बहुत लाइट चाहिए, उस फिंगर का वेट उस पर आना चाहिए, यानी फिंगर्स यू शुड एबल टू प्ले विद वेरी लाइटली विद द फिंगर्स वेट, खामखा ताकत लगा के। गुरु तारानाथ जी नेवर फोर्स्ड अस दैट यू शुड प्ले लाइक दिस, यू शुड प्ले लाइक दिस, वी वेर आस्किंग देम। एंड एट द टाइम सदानंद नायमपल्ली, मोहन बड़वल्ली और द ऑल द सीनियर स्टूडेंट्स वेर ऑल्सो देयर। एंड ही अगर मैंने पूछा, आई वॉज वेरी ड्यूरिंग दैट टाइम आई वॉज चाइल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड, 8 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर, तो आई वॉज आस्किंग कि भाई ये बराबर है क्या ना दिन दिन। सो ही वॉज टेल करेक्ट, दिस इज करेक्ट, एंड इफ यू वॉन्ट टू शो समथिंग देन ही विल टेल, बट ही हैज नेवर फोर्स्ड अस एनीबडी। दैट्स वाई द हैंड्स ऑफ पंडित सदानंद नायमपल्ली, ओंकार गुलवाड़ी हो, रवि पंडित रवि बेल्लारी हो, शशि बेल्लारी हो, दोज आर वेरी लाइट एंड द साउंड प्रोड्यूसिंग हैंड्स। खमका ऐसे नहीं बजाना, ईजी, वेरी ईज इसमें। वो मैंने बात शोलापुर में भी देखी, भीमराव कनकदर जी थे बाद में, उस्ताद शेख दाऊद, दक्खन का थिरकवा कहते थे उनको, उनका भी बहुत लाइट हाथ था। तो उसका एक प्रयोग जो तारानाथ, गुरु तारानाथ जी ने सिखाया हमको, मुझे सिखाया, तो वो लहरे के साथ बजाऊंगा मैं। धागे धिंदा कृधा दिन दिंदा धिंदा दा तिन्ना ता तिन्ना किड़न गतिन्ना तिन तिंता तिंता ता तिन्ना धा कृधा दिन्ना दा कृधा दिन्ना दा कृधा दिन्ना धा त्रक दिन्ना दिन दिन धा। गुरुजी वाज ऑलवेज रिसाइटिंग द बोल्स विथ लेहरा, दैट संस्कार हैज मेड अस टुडे, वॉट एवर वी आर प्लेइंग ड्यू टू गुरुजीज पड़ंत विथ लहरा। आजकल तो ऐसे हो ही नहीं सकता, अब मैं भी बजा रहा हूँ वो वट द लहरा इज विथ ऐप। Thank you.
ना दिन दिन धागे तरक धा धागे दिन धा कड़ धा दिन दिन धा दिन धा धा दिन धा धा दिन ना कड़ नक दिन ना दिन दिन धा दिन धा धा दिन ना धा कड़ धा दिन ना धा कड़ धा दिन ना धा धा दिन ना The ease. मैंने कल बोला था कुछ दो तीन मेमोरी को पहले रखत तबले की इसमें बहुत बहुत मजा आता है ये पेशकार है जैसा ही और पेशकार रंग कहते हैं उसको जो जो अहमद जान थिरकवा तबले की जान है ना अहमद जान तो उसके जैसा थोड़ा बजाने की कोशिश है और ये 5 मिनट के बाद और मुझे बोले तो वही ढंग आएगा नहीं दैट इज़ द पिक्युलरिटी ऑफ आवर म्यूजिक इंडियन म्यूजिक द सेम वी कैनॉट प्ले दिस इज ऑल उपज
क्या था मुंह पकड़ना, धिन्ना धिन धिन धिन्दा तक धा जागे धिन्ना कड़ा धिन धिन्दा धिन धा जा धिन ता धिन्ना कड़नक धिन्ना धिन धिन्दा धिन ता ता धिन धा कड़ा धिन्ना धा
इस फर्रुखाबाद लौ पे काम करना अब दिल्ली बनारस थोड़ा पाया चढ़ाना पड़ता है इसको
But no, I will stop here only. This is the end. But I wanted to show ki how our Guruji has taught us. Not everything that he was to recite the bowls with lehra. That has given us the great sanskar. This type of teaching nowadays, this will be very rare. Thank you. Okay, Jai Guru. Mujhe lagta hai ki isse aapko ek andaaz aa gaya ki kya rehta hai, kya nahi. तो इसलिए हमारे यहाँ रवि शशि बेल्लारे उनके भांजे डॉक्टर मुठे हैं वो भी बजाते हैं सजानंद नायमपल्ली है ओंकार गुलवाड़ी है उदय रायकर विजय कनगुटकर और मैं भी वैसे और बहुत है उदय नाड़कर्णी वगैरह मोहन बलवल्ली तो बहुत ही अच्छा बजाना था उनका दाया वाया का भजन तो मेरा कहने का मतलब उनके स्वभाव के हिसाब से उन्होंने वो संगीत हमारा बढ़ते गया वो एक मोल्ड में डाल के उन्होंने कभी नहीं किया उसका स्वभाव जो है उसके हिसाब से वो बढ़ते गया ऐसा गुरु मिलना यानी हम बहुत भाग्यवान हैं कि उनके उनके च,
चरण स्पर्श करके ही हम कभी भी सीखते थे। तो मेरा कहना है कि गुरु तारानाथ यानी परिस, मराठी में परिस बोलते हैं, वो परिस थे, इसलिए वो लोहा भी उनके साथ आया तो वो उसका गोल्ड हो जाता था। गोल्ड यानी क्या, हिंदी में सोना, सोना हो जाता था। तो वो परिस थे, ऐसे आदमी मिलना, ऐसे गुरु मिलना हमारा भाग्य। मेरे फादर मदर उन्होंने भी वहाँ तक मुझे लेके गए। सदानंद नायमपल्ली है, पंडित सदानंद नायमपल्ली, रवि शशि, ओंकार गुलवाड़ी, इन सब का मुझे प्यार मिला, इसलिए मैं कुछ कर सका। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। बस यहीं पे मैं ठहरता हूँ। ये 21 दिन का और एक दिन चला गया है अच्छा संगीत का वातावरण में, वो एक अच्छी बात है। और रखत तबले की, thank you।